अब आया कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत, कोई अनंत का प्रेमी, कोई भगवान का लाडला, उसकी जो निंदा करता है उसको कहते हैं श्री कागभूषण जी उल्लू हो जाता है। उल्लू का क्या स्वरूप है? उल्लू ऐसा विचित्र प्राणी है कि वो कहता है धरती पर सूर्य होता ही नहीं है। अब बताइए आप, किसी ने पूछा कि भैया सूर्य नहीं होता है ऐसा कैसे पता चला? बोले आज तक हमने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा आपने? तो उल्लू के नेत्र में कुछ ऐसी क्या मशीन भगवान ने फिट किया है कि जब सूर्य भगवान आ जाते हैं तो उसको दिखाई पड़ना। अनंत का जो प्रिय है संत, उन संत महापुरुषों की जो निंदा करता है वो उल्लू हो जाता है। इसको कदापि नहीं, कदापि नहीं। इसको भी आपको प्रमाण से समझाऊं। हम लोग जब तीर्थों में जाते हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, माया मनी हरिद्वार काशी अयोध्या श्रीधाम वृंदावन, तो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं बाबूजी लोग वो पूछते हैं यहां कोई पहुंचा हुआ संत है क्या? तो जो साधक महापुरुष होते हैं पूछते कहां पहुंचा हुआ, भगवान का साक्षात्कार किया हुआ। अच्छा, तो संत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो पुरी में वास करता है, सातों पुरियों में जो वास करता है वो सब पहुंचे हुए लोग हैं। कहां पहुंचे? बोले पुरी पहुंचे। वो पुरी से बाहर नहीं जावे हैं, वो यही हैं। अर्थात पुरियों में वास करने वाले सभी प्राणी स्वरूप से संत हैं। इनका दर्शन ही आपको मुक्ति प्रदान कर देगा। मेरे परमात्मा तो कहते हैं अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, कहाँ के बासी, मम धाम दा पूरी सुख रासी, मम धाम दा पूरी सुख रासी। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सभी ने वैकुंठ की प्रशंसा किया है, वेद पुराण सब, वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण जग जाना, अवधपुरी सम प्रिया नहीं सो, यह प्रसंग जाने को, यह प्रसंग जाने को, यह प्रसंग जाने को, यह हम जाएंगे, हम रहेंगे, हम पहुंचेंगे तब तक हमको घर की याद आ जाएगी। और पुरियों में जो पहुंच गए हैं वो कहाँ पहुंच गए? पुरी। तो जो पुरी में पहुंच गए हैं, पुरी माने जगन्नाथ पुरी नहीं, सात पुरी, क्योंकि आपके बगल में है ना, पुरी में जो बलिया वाले होंगे, दाल पुरी नहीं, भगवान की पुरी अयोध्या, अयोध्या, हाँ पूरी बहुत प्रिय है ना, पूरी पूरी। सातों पुरियों में जाने पर भजन करना नहीं पड़ता, इसलिए जब पुरियों में जाएं
वहाँ संत लोग भगवान के भागवत भक्त लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वहाँ दृष्टि नहीं, वहाँ श्रवण इंद्रिय खोल के रखिए और केवल सब में भगवान का स्वरूप दर्शन करिए, विकार दर्शन न करिए। हम जैसा सोच लेते हैं वैसा हमको दर्शन होता है। इसी भाव से प्रभावित होकर, इसी भाव का स्मरण करके कभी भी अपने जिह्वा से संत की निंदा न करें, नहीं तो रात्रि का दर्शन होगा, दिन का दर्शन समाप्त हो जाएगा। कैसे? आगे लिखा है, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानु। जो किसी भी संत की निंदा कर दिया, जो भगवान के भाव का प्रसार कर रहा है, भगवान के नाम का गुणगान कर रहा है, भगवान के स्वरूप में ही आवश्यक, ऐसे हैं वो संत हैं और ऐसे हैं वो संत नहीं है ना, ये परिभाषा ठीक नहीं है। वेश से भी संत हो सकता है, वाणी हो या न हो, तो संत वेश को वंदन करे, हम गृहस्थ हैं वेश को प्रणाम करें। वेश प्रभाव पूजियत तेउ, कोई वंचक भगत हो तो भी प्रणाम करे, क्यों? वेश भगवान के भक्त का बनाया है। आपने देखा होगा ना, जो वो होते हैं बहुरूपिया लोग, कभी हनुमान जी बन जाते हैं, कभी गणपति जी बन जाते हैं, तो जो गांव के लोग हैं जो जानते नहीं, उनको गणेश जी समझ के प्रणाम करते। कैसे भी स्वरूप में भगवान का भाव दर्शन हो भैया, उसको प्रणाम करना चाहिए और स्वरूप की कभी निंदा नहीं करना चाहिए, व्यवहार की निंदा। निंदा करना अपना कार्य नहीं है, हम भगत हैं, हमारा काम है भगवान की प्रशंसा करना है, भक्त की प्रशंसा करना है, और जब प्रशंसा करेंगे तो स्वरूप कैसा भी हो हमको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, हम आनंद में रहेंगे और यह हमको ज्ञान अपने आप बोध दे देगा, हमको यह अंधेरा नहीं सताएगा, हम इसमें लीन नहीं होंगे, हम इसमें नहीं लगेंगे। रात्रि नहीं, जब भगवान की भक्ति आवे है, संत की कृपा होवे है, संत का संग होवे है, तो हमको आए परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दयाघृत बाती। लक्ष्मण जी वाले प्रसंग में है ना, वो निषाद जी को समझाते, मोह निषाद सब सो रहे, सब सो रहे, लेकिन इस सोए हुए जगत में यही जग जामिन जाग ही जोगी परमारथी प्रपंच भियो। हम आप इस संसार में आए हैं, भगवान ने करुणा बरसाकर यह शरीर दिया और शरीर में अपनी ही भक्ति करने की चेतना भर दी है। भगवान ने हमारे में अपनी भक्ति करने की चेतना भर दी है, तो हम भगवान की भक्ति क्यों न करें? कदाचित कोई कुयोग बन जाए तो भी, हमारे महापुरुषों ने लिखा, तजो मन हरि विमुखन को सन जाके संग कुबुधि उपजत परत भजन में रित, जो मन हरि विमुख को सन। बाबा सूरदास जी की है पंक्तियां, सूरदास जी की है ना, तजो मन हरि विमुखन को। हमको बुलाकर कोई संत महापुरुषों की निंदा करे तो कान बंद कर लेना चाहिए, समय खराब हो गया, समय ठीक नहीं। अच्छा, समय ठीक कब आएगा उसकी कोई तिथि है क्या? देखो, जो पुराण आप हमारा पुराण तो पढ़ते नहीं है, जब तक कलयुग का चौथा चरण नहीं आएगा तब तक कुछ होना जाना नहीं है। हमारे पुराणों ने जो लिख दिया, भविष्य पुराण ने जो तिथि बता दी है, उसके पहले कुछ नहीं होना है। क्यों? ये सदग्रंथ सत्य हैं, दिमागी पुस्तकें सब असत्य हैं, कहीं कुछ नहीं है, एकदम नहीं। यहां दिमाग का काम नहीं, यहां तो हृदय का कार्य है। हमारे ऋषि मंडल ने, सप्त ऋषियों ने जो तिथि निश्चित की वही होगा।
तभी ग्रहण लगता है जब ज्योतिष शास्त्र बखान करता है। इसलिए इस चिंता में न रहिए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ, बस तब तक जब तक वो समय न आए, कितने बार शरीर बदलेगा हमारा, कितने बार शरीर बदलेगा, कितनी बार हम आएंगे, तो अपनी तो बस लागी रे लगन भगवान में। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।